दोस्तों अगर आप जंगल की सफ़र ज़्यादा करते हैं या आप कैंपिंग करते हैं या आप कहीं ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ ख़तरनाक जानवर हैं तो आप चाकू के शौकीन होंगे या नहीं है तो आप बता दे रहा हूँ कि आप उसको ख़रीद लें। आप देखेंगे इसका जो सिस्टम है इस तरीके से है, ये लीजिए दोस्तों। इसे चाकू के भी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, आप देखें क्या कुछ खास है इस चाकू का। दोस्तों वीडियो अगर हमारे अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे लास्ट तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। गाइज मैंने इसको मंगाया है फ्लिपकार्ट से। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करने के लिए एक और चाकू का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसकी अनबॉक्सिंग में डाल दूंगा। चलिए सबसे पहले इसके रैपर को हम काट लेते हैं और इसके बाद इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर देखते हैं क्या है। वैसे नॉर्मल सी एक पैक में एक चाकू है और कुछ खास नहीं है। तो चलिए हम इसकी टेपिंग को कट करते हैं और बाहर निकालते हैं अपने प्रोडक्ट को। गाइस जब हम इस प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं तो इसमें जो चाकू है ये खुली हुई थी। गाइस इसे हाथ कर सकता है, ये पैकिंग करते समय हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, वैसे इसमें ध्यान देना चाहिए इन लोगों को। ये लीजिए जैसे मैं छोड़ता हूँ तो कट जाएगा, ये लीजिए। अगर आप उल्टे तरफ से हाथ रख देते हैं तो आपका हाथ कट सकता है। गाइस इसकी प्राइसिंग की बात करूँगा और इसकी शार्पनेस की बात करूँगा। वैसे जब हम इसको हैंड में पकड़ते हैं तो लाइट वेट है और इसकी जो फील है थोड़ा सा प्रीमियम फील आता है और इसकी जो धार है शार्प है, मतलब इससे नुकसान यानी कि कटिंग हो सकती है। आप इससे वेजिटेबल्स काट सकते हैं, वैसे ये बहुत ज़्यादा स्लीक बारीक या मतलब इस तरीके से काम नहीं करेगी, लेकिन फिर भी अच्छे तरीके से मोटे मोटे आइटम को काट सकती है। गाइज मैंने प्रोडक्ट डिटेल में देखा तो ये स्टेनलेस स्टील की बनी हुई चाकू है, इसमें ब्लैक कलर का पेंट हुआ है। इसके माध्यम से आप इसमें कोई स्टेनलेस स्टील का इफेक्ट नहीं समझ पाएंगे। जो मैकेनिज्म है इसका देखते हैं किस तरीके से वर्क करती है। सबसे पहले इसमें आप देखेंगे एक ट्रिगर दिया गया है, इसको जब हम प्रेस करते हैं तो ये चाकू नीचे आ करके लॉक हो जाएगी, यानी कि इसको दबा के नीचे हम नाइफ को लाएंगे इसके हेड को और इस ट्रिगर को हम छोड़ देंगे जो कि हम थंब से दबा रखें। देखिए ये लीजिए हमने छोड़ दिया, अब ये चाकू अनलॉक नहीं होगी जब तक हम ट्रिगर नहीं दबाएंगे। कृपया ध्यान दें कि जब आप ट्रिगर को दबाते हैं तो आप थोड़ा टाइट रखें इस नाइफ को, नहीं तो आपका हाथ कट सकता है। गाइस जब आप इस ट्रिगर को दबाते हैं तो ये चाकू जो है बहुत ही तेज फास्टली यानी कि ओपन होने वाली। ये लीजिए थोड़ा मैंने ढीला पकड़ा और ये देखा कि कैसे लंजिंग कर गई। बस ध्यान में आप यही रखें कि इस चाकू को जब भी आप ओपन करेंगे थोड़ा टाइट करके रखें। चलिए इसके मैकेनिज्म को हम समझते हैं। गाइस यहाँ पर एक लॉक अनलॉक का बटन दिया गया है, इसके माध्यम से आप चाकू को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। इसके फायदे ये हैं कि जब आप इस चाकू को ओपन करेंगे अगर आपका ये लॉक है तो ये आपका चाकू ओपन नहीं होगा। अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं यानी कि नीचे करना चाहते हैं, अगर लॉक है तो ये नीचे भी नहीं होगा। चलिए जब हमने इसको नीचे किया और इसका लॉक बटन दबा दिया, अब इसका ट्रिगर दबा रहे हैं तो यहाँ दब नहीं रहा है। चलिए हम इसका जो लॉक है अनलॉक कर देंगे और इसके बाद ट्रिगर दबाएंगे, खट से ये ओपन हो गई। इस तरीके से आप इसके मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि हमेशा इसकी जो धार है इसको बचाना है। कहने का मतलब है कि लोहा पत्थर इत्यादि चीज़ों पर आपको नहीं मारना है। गाइज इसको आप पर्सनल सिक्योरिटी के तरीके से रख सकते हैं। जब आप कैंपिंग करते हैं, जंगल पे जाते हैं, हो सकता है कभी आपको खतरनाक जानवर मिल जाए तो आप इसके माध्यम से अपनी जान को बचा सकते हैं। गाइज इसका यूज आप एज ए पोर्टेबल भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जब आप इसको कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं या आप कहीं पर भी घूमने जा रहे हैं तो आप इसको किसी पॉकेट में या आप किसी भी बैग में या कहीं इस तरीके से जहाँ पर इसे क्लिप सपोर्ट कर रही है यानी कि इस क्लिप को कहीं भी फंसाया जा सकता है वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। गाइज इसकी जो हाइट है तकरीबन 8 इंच के आसपास है और इसका जो वजन है वो भी लाइट वेट है। वैसे मैंने इसको तौला तो नहीं है लेकिन हाइट बताया जहाँ तक इसका 8 इंच के आसपास हाइट है। वैसे इसमें जो धार है आप कहीं भी आप मार्केट में भी लगवा सकते हैं। दोस्तों इसको आपको पब्लिक प्लेस में नहीं ले जाना है, चाहे गर्ल्स हो चाहे मेंस हो। तो चलिए इसकी एंड में प्राइस भी जान लेते हैं। गाइज मैंने इसको 299 रुपए में मंगाया है और बेहतरीन किस्म की चाकू है, इसको फ्लिपकार्ट से मंगाया है, आप भी इसको मंगा सकते हैं। गाइज इसका यूज आप सही तरीके से करें, कैंपिंग में, हाइकिंग में या आप कहीं भी वैसे अगर खतरनाक इलाके में जाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको इस चाकू के बारे में कोई डाउट है या आप इसको नहीं ले पा रहे हैं, परेशानी आ रही है या पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल में बने रहिए, तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयारी करते हैं। धन्यवाद।